बदलते भारत की शान। खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किसमें आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, अरहर, ज्वार और केले की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही तेजी, बुआई बीते साल से पीछे। इस साल 40 लाख टन के पार जा सकती है अरहर की पैदावार, दलहनी फसलों की बुआई 1 करोड़ 16 लाख हेक्टेयर के पार। मंडियों में उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे, नेफेड की खरीद से 64,000 किसानों को मिला सीधा लाभ। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे साबुत अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का से। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 6 लाख हेक्टेयर में ही मक्का बोई गई है। वहीं इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मक्का की उपज बढ़कर लगभग 2 करोड़ टन रह सकती है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 1,96,30,000 टन का रहा था। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हुन्नाली मंडी में 5 दिसंबर को लोकल मक्का का भाव रहा 1,330 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,330 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की हनागल मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 7 दिसंबर को यहां मक्का का भाव रहा 1,380 रुपए, जो 5 दिसंबर को 1,360 रुपए था। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5 दिसंबर को पीली मक्का का भाव था 1,150 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती रही और भाव 1,200 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में शनिवार को पीली मक्का 1,675 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 1,700 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई पर नजर डाले तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक रबी मक्का 6,65,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,11,000 हेक्टेयर रहा था। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, मंडी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे मक्का के हाल के बारे में जानना चाहेंगे, बताएं बाजार की स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है, आने वाले समय में मक्का का क्या हाल रहेगा। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के भावों में हमने नरमी बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो काफी समय से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रॉप बढ़ते हुए देखी है, क्रॉप की पैदावार बढ़ते हुए देखी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक स्तर पर भी देखें तो मक्के के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में भी मक्के के भावों में नरमी का रुख बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है और जिस तरीके से पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि भावों में नरमी का रुख आने वाले दिनों में बना रहेगा। जी अनुज जी, ऐसे में जो किसान है जिनके पास मक्का का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे?
मक्के किसानों को सलाह, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में मक्के के बाजार में नरमी रह सकती है क्योंकि आवक बड़ी है। आगे अगर हम देखें तो नई आवक भी आती हुई दिखाई देगी, तो हमें लगता है कि किसानों को भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आवक बढ़ने की वजह से भाव और नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,16,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। सोमवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। अरहर की उपज की बात करें तो इस साल प्रमुख दलहन फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 5 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव था 4,700 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,700 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 130 रुपए की भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। 7 दिसंबर को यहां अरहर का भाव रहा 4,680 रुपए, जो 5 दिसंबर को 4,550 रुपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 5 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव था 4,950 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,960 रुपए। इसी तरह राज्य की ही महोबा मंडी में साबुत अरहर के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां शनिवार को अरहर 5,300 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 5,265 रुपए पर हुए। वहीं दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 13,56,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,16,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,02,99,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और दलहन की जो पैदावार है वो काफी ज्यादा है और अच्छी खासी बुआई हुई है, इसका कैसा असर आगे भाव पर रहेगा? और खास तौर पर दलहनी फसलों में साबुत अरहर की बात करें तो बाजार का जो हाल है वो क्या बता रहा है, क्या संकेत है आगे के लिए? अरहर की बात करें या बाकी दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हम नरमी होते हुए देखी है। अगर हम ओवरऑल दालों को देखें तो इस बार दालों का रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और पैदावार भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में अरहर में या फिर दालों में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर हम वादा व्यापार की बात करें तो वादा व्यापार के अंदर भी चने के अंदर नरमी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी अरहर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। नई आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में या बाकी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, ऐसे में जो किसान है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? अरहर के किसानों को सलाह, जिनके पास अरहर रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से और अच्छी पैदावार होने की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को भी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी ज्वार की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा है मूंगफली का बाजार। इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान है। खरीफ मूंगफली की पैदावार 95 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर निफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद 1,13,000 टन के पार पहुंच गई है, जिससे 64,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठा पटक रही। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। सोमवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। मूंगफली की खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 3 दिसंबर तक नेफेड ने 1,13,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में आंध्र प्रदेश के किसानों से 197 टन, राजस्थान से 3,987 टन, गुजरात के किसानों से 1,08,369 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 691 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 64,448 किसानों को लाभ मिला है। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 4,645 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 13 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,658 रुपए। राज्य की ये धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 75 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 7 दिसंबर को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,630 रुपए, जो 5 दिसंबर को 4,705 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 5 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 4,025 रुपए। 7 दिसंबर को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव 4,030 रुपए पर जा पहुँचा, जबकि शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 7 दिसंबर को मूंगफली बिना किसी बदलाव के 5,810 रुपए पर बिकी। इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मूंगफली की उपज 95,35,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल उपज 83,67,000 टन रही थी। इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कम्योडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। ये फिर से उनका रुख करें। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में, क्या राय है आपकी, इसके जो भाव है आगे कैसे रहेंगे? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के अंदर भी हमने नरमी बनते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ऐसे में अनुज जी, जो किसान है उन्हें किस तरह से जो स्थिति है उसका लाभ लेना चाहिए, उन्हें उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी इस वक्त? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। नई क्रॉप की आवक मंडियों में आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के अभी निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन सरसों के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की लखानी मंडी में सरसों का भाव रहा 5,475 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव रहा 5,736 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों के सौदे 5,310 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। सरसों के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,125 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुए 4,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं।
मंडी खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार की, जिसका रकबा बीते साल के मुकाबले साल पीछे चल रहा है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से 4 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में ज्वार की बुआई 23,000 हेक्टेयर घटकर 20,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 21,18,000 हेक्टेयर का रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 7 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,755 रुपए, तो वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए, यहां की कोटा मंडी में ज्वार 1,400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। ज्वार के बाजार के बारे में आइए जानकारी लेते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी बताएं, जो ज्वार के बाजार की स्थिति है वो क्या बता रही है, आगे आने वाले समय में भाव कैसे रहेंगे इसके? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर भी हमने नरमी देखी है, ज्वार की क्रॉप इस बार बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है, जिससे भाव नरम रह सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जानना चाहेंगे अनुज जी आपसे कि किसानों को इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या जो ज्वार के किसान हैं उन्हें मंडियों का रुख करना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह, जिनके पास ज्वार रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में ज्वार के बाजार में नरमी की वजह से, आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों को सलाह है कि वो अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए, आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे केला, अरंडी और कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केले के बाजार की स्थिति की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सीमित बनी रही, सोमवार को भी प्रमुख उपज वाले राज्यों में केले की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले का भाव रहा 2,700 रुपये, दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये, उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में केला 2,060 रुपए पर बिका, तो वहीं इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में केले के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,26,645 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का यह आंकड़ा 3,65,153 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में अलसी के हाजिर भाव क्या रहे। उत्तर प्रदेश के करवी मंडी में अलसी का भाव रहा 5,110 रुपए प्रति क्विंटल, यहां की महोबा मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए और इसी राज्य की कानपुर मंडी में इसके सौदे 5,125 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कपास के हाजिर भाव पर। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 5,505 रुपए, यहां की जसदन मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए और इसी राज्य की कोटा मंडी में कपास के सौदे हुए 5,450 रुपए पर। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।